क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत टाइम तक एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो पूरे मन से, और आप उस पर काम करके उसे कंप्लीट कर लेते हैं, बट सडनली एक दिन जब आप उस प्रोजेक्ट को फिर से खोलते हैं कंप्लीट होने के बाद, तो आप रियलाइज करते हैं कि ये प्रोजेक्ट अब क्रैश हो चुका है। अगर ऐसा है तो आज के एपिसोड जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ एबिल्टन में इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। Let's roll the intro. हाय दोस्तों, मैं हूँ साउंड्स ऑफ निक और आज आपके लिए लेके आया हूँ एक लाइफ सेविंग टिप। तो दोस्तों, शायद आपके साथ ये कई बार हुआ होगा कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डन भी हो गया है, बट सडनली एक दिन आप उस प्रोजेक्ट को वापस से खोलते हैं और आपको एबिल्टन से मैसेज आता है कि ये जो फाइल है वो करप्ट हो गई है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक सोल्यूशन है जो आपका वर्क रिकवर कर सकता है। अगर 100% नहीं तो कम से कम ये 80-90% आपका वर्क रिकवर कर देगा, ताकि आपको पूरे प्रोजेक्ट पे फिर से काम ना करना पड़े। सो लेट्स जंप राइट इनटू द एबिल्टन सेशन और हम जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मेरे पास ये एक फाइल है हिंदी रिप्राइज के नाम से, मैं इसे जब भी लॉन्च करता हूँ तो ये बेसिकली क्रैश हो जाती है। सो बेसिकली ये एबिल्टन लाइव सेशन मेरा हमेशा क्रैश कर जाता है। अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने एक दूसरा फ्रेश एबिल्टन लाइव का सेशन खोल रखा है, मैं अपनी स्क्रीन पे जंप करता हूँ। ओके, अब एबिल्टन लाइव में ये एक अच्छी बात होती है कि आप अपने ब्राउज़र के थ्रू किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, और उसकी जितनी भी फाइल्स हैं, उसकी जितनी भी लेयर्स हैं, आपने जितने लेयर्स बनाए होंगे सिंथ के, ऑडियो के, वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपको जैसे ही सारी यहाँ पे अपनी लेयर्स दिख गई, तो इन सारी लेयर्स को अब आपने वन बाय वन करके यहाँ पे लेके आना है, इम्पोर्ट करना है, ठीक है। और उसी के साथ हम इसको सेव भी कर लेंगे। रिकवरी, ठीक है। अब हमने एक लेयर लेके आए हैं ऐसी, बाकी सारी लेयर वन बाय वन करके मैं लेके आऊंगा। तो यहाँ पे जितनी भी लेयर्स हैं मैं उन्हें यहाँ इम्पोर्ट कर रहा हूँ, ताकि जिस लेयर में प्रॉब्लम नहीं है कम से कम मैं उसे रिकवर कर सकूं, और जिस लेयर में प्रॉब्लम है उसे अनफॉर्चुनेटली मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं इस चीज़ को ऑलरेडी कर चुका हूं और मुझे पता है कि जो भी मैंने अपनी वोकल लेयर्स बनाई थी वो सारी इस प्रोजेक्ट में करप्ट हो चुकी हैं, बट मेरा इंस्ट्रूमेंटल अभी भी सेफ है, तो मैं अपने इंस्ट्रूमेंटल को यहाँ पर ड्रैग इन करता हूँ, ताकि कम से कम मेरा इंस्ट्रूमेंटल मेरे पास रेडी हो, जो कुछ ना होने से काफी ज्यादा बेटर है। ओके, मैं इतना सेव कर लेता हूँ, अब इसे प्ले करके देखते हैं। मेरे इंस्ट्रूमेंटल की सारी लेयर्स जो हैं वो रिकवर हो गई हैं, अब सिर्फ वोकल्स रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जिन चीज़ों में प्रॉब्लम है वो रिकवर नहीं हो पाएंगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ तो क्या होगा। ये सिस्टम, ये बेसिकली ये जो एबिल्टन सेशन है वो क्रैश हो जाएगा। मैं इसे पहले सेव कर देता हूँ ताकि बाकी चीज़ें रिकवर्ड रहें। अब ये आ गया, अ सीरियस प्रॉब्लम अकर्ड। मैं जैसे ही इसको ओके करूँगा मेरे एबिल्टन का जो सेशन है वो क्रैश हो जाएगा। सो बेसिकली हम इस मेथड से मैक्सिमम चीज़ें अपनी रिकवर कर सकते हैं,
हाँ अनफॉर्चुनेटली जिन चीज़ों में इशू है वो नहीं रिकवर हो पाएंगी, बट आई थिंक ये एक बेस्ट सोल्यूशन है। पूरा काम वापस करने से अच्छा है कि आप जितना काम आपका लॉस्ट हुआ है सिर्फ उसी पे ही काम करें। और उससे भी पहले मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करें तो हमेशा उसके बैकअप ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब कोई भी प्रोजेक्ट करप्ट हो जाए, तो आपको इस सिचुएशन में आना ही ना पड़े, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। तो कोशिश कीजिए कि आप पहले से ही बैकअप्स क्रिएट करें, पर जस्ट इन केस अगर आप कभी इस सिचुएशन में फंसते हैं तो आप डेफिनेटली इसके थ्रू काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। सो आई होप आपको इस सोल्यूशन से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आगे भी आप बताते रहिए कि आप मेरे से किस टाइप के वीडियोस एक्सपेक्ट करते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, अंटिल देन स्टे हेल्दी, पीस आउट।